तेल में ये चीज मिलाकर लगा लीजिए, जहां भी आपकी एक्स्ट्रा चर्बी है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अगर आप भी डाइटिंग करके, टैबलेट्स लेके, बहुत कुछ करके थक चुके हैं, तो आज ये फैट बर्निंग ऑयल, ये मैजिकल ऑयल आपकी चर्बी को पिघला देगा। आपके बॉडी में जहां जहां फैट है वहां के इंचेस लूज होना शुरू हो जाएंगे। देखिए, मेन बात करते हैं, वीडियो लेंथी नहीं करते। अगर इन रियल में अगर आप डाइटिंग करते हैं या जिम करें, ज्यादा एक्सरसाइजेस करें घर पर भी, तो भी वेट लॉस हो सकता है। लेकिन इट मीन्स जो आप लोग मुझे मैसेजेस करते हो, आपकी मेल्स आती है कि वेट लॉस नहीं हो रहा, मतलब कहीं ना कहीं अपने आप से आप धोखा कर रहे हैं। आप प्रॉपर डाइट पे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, मीठा नमक बहुत ज्यादा खा रहे हैं, जिसकी वजह से नमक वाटर लेवल बढ़ा देता है, हमारी चर्बी बढ़ने लगती है और मीठा वैसे भी फैट बढ़ाता है। इसके साथ में आप लोग एक्सरसाइज की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। अगर आप 15 मिनट भी रोजाना अपनी बॉडी को थकाते हो, मेरा वीडियो फॉलो करते हो, तो डेफिनेटली आपका वेट लॉस होगा। तो चलिए, अब ये दोनों चीजें आप नहीं करें तो तीसरी चीज आपकी चर्बी को 101% पिघलाएगी, वो ऑयल कैसे लगाना है, कैसे बनाना है और कैसे वो आपकी चर्बी को कम करेगी, आपके इंचेस को लूज करेगी, ये देखते जाइए और फॉलो करते जाइए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करते टाइम ऑल पे जरूर क्लिक करें। अगर आप ऑल पे नहीं करेंगे तो सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। और इस मैजिकल ऑयल की वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ताकि हर कोई अपने बॉडी को टोन अप कर सके। तो चलिए बनाने का तरीका। गाइस, अब जानते हैं इस मैजिकल ऑयल को बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका। इसके लिए सबसे पहले आपको लेना है सरसों का तेल। आपको सरसों का तेल इसमें ऐड करना है 50 ml। 50 ml ऑयल में डालना है हमें 20 ml नारियल का तेल। 20 ml आप इसमें नारियल का तेल ऐड कर लीजिए। जो सरसों का तेल हमने इसमें ऐड करा है, सरसों का तेल क्या करता है, आपकी मसल्स को टोन अप करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है, आपका डाइजेशन को बूस्ट करेगा, आपके ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करता है, आपके बॉडी में हीट प्रोड्यूस करता है। और साथ में जो नारियल के तेल है, इसमें होते हैं फैटी एसिड, जो आपके चर्बी को जल्दी से पिघलाने का, मेल्ट करने का काम करते हैं। स्पेशली जो आपकी लोअर टमी होती है वो इससे बहुत ही जल्दी रिड्यूस होती है। अब इस ऑयल को और इफेक्टिव बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच अजवाइन। अजवाइन की तासीर गर्म होती है, जो हमारे बॉडी में हीट प्रोड्यूस करती है और जल्दी से हमारी चर्बी को पिघलाने का काम करती है। साथ ही साथ आपके डाइजेशन को बूस्ट करती है, आपको पेट में जो गैस्ट्रोलॉजी की प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम भी आपको नहीं होगी। अगर आप इसको पेट पे इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये सारे बेनिफिट मिलेंगे। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे अब दालचीनी। दालचीनी हमारे ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करती है और हमारे फैट सेल को तोड़ने का काम करती है। तो ये बहुत ही इफेक्टिव तरीके से आपकी चर्बी को पिघलाएगी। अब इसमें हमें अपना लास्ट इंग्रेडिएंट ऐड करना है कपूर। कपूर आपके ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करेगा, आपके बॉडी में हीट प्रोड्यूस करेगा। ये वही वाला कपूर है जो आप पूजा में यूज करते हैं, आप किसी भी दुकान से इसको इजिली ले सकते हैं। हमें इसमें ऐड करना है 3 टिक्की कपूर। इसको कूट कर इसका पाउडर बना के तो हम इसमें ऐड करेंगे। ये कपूर को मैंने अच्छे से कूट लिया है, इसको पाउडर में कन्वर्ट कर लिया। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और ऑयल को गरम करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद अब इस ऑयल को हम हल्की आंच पर गरम कर लेंगे। जैसे जैसे ये ऑयल गरम होगा, वैसे वैसे झाग बनता जाएगा। झाग एक बार बनेगा, उसके बाद वो कम होने लगेगा। ये प्रॉपर अब मैजिकल ऑयल बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो पहले मैं इसको छन्नी की मदद से एक बाउल में छान लूंगी। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है, जब भी आप इस ऑयल से मसाज करें, हमेशा इसको कोसा, मतलब हल्का गर्म ऑयल से ही मसाज करें। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होता है और आपके वहाँ के फैट सेल टूट कर आपकी मसल टोन अप होना स्टार्ट हो जाती है। अब जान लेते हैं इसको लगाने का सही तरीका। आपको इस ऑयल को अपने फिंगर टिप्स पे लेना है और अपने पेट के जहाँ भी आपकी चर्बी है, लोअर बेली में या अपर बेली में, वहाँ पे हल्के हल्के हाथों से 3 से 4 मिनट तक आपको मसाज करना है। मसाज करने के बाद ये रैप पेपर आपको मिल जाएगा मार्केट से इजीली। आप इस तरीके से पेपर से उसको अपने बॉडी पार्ट को रैप कर दीजिए, इससे आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होगा। इस ऑयल को लगाने के बाद अगर आप चाहते हैं आपका फैट जल्दी रिड्यूस हो, तो उसके बाद आप कोई भी पेट की एक्सरसाइज कर लें। पेट की एक्सरसाइज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आप वो एक्सरसाइज करेंगे तो आपका जल्दी फैट सेल टूटेगा, आपकी चर्बी पिघलने लगेगी। तो एक बार इस ऑयल से सुबह मसाज करें और एक बार रात को सोने से पहले।
तो गाइस आई होप कि आपको ये फैट बर्निंग ऑयल बहुत अच्छा लगा होगा देखने में, और देखने के बाद फटाफट से किचन में जाओ, बनाओ और लगा डालो, और उसके बाद जो आपके ऊपर इसका रिजल्ट आए प्लीज मुझसे शेयर करना मत भूलना। लेकिन इसके साथ ध्यान रखना है कि 15 मिनट कुछ भी एक्सरसाइज का टाइम नहीं, रस्सी लो, कूदना स्टार्ट कर दो 15 मिनट कंटिन्यूस, खाना खाने के बाद 45 मिनट वॉक करो, और तीसरी चीज नमक मीठा तला हुआ अपनी डाइट से कट ऑफ कर दो, अपने आप से आपका वजन कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, ये मेरा दावा है। जिसको ये चैलेंज एक्सेप्ट है कमेंट कर देना, और किसने फैट बर्निंग ऑयल लगाया वो भी जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।